वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरिदी किलोर। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आपके अपने नेबर से पढ़ाई किसी भी पड़ोसी से किसी प्रकार की लड़ाई हो जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं? लाइक आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? अब अलग अलग तरीकों में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे अगर मारपीट हो जाए, झड़प हो जाए तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, एक बात हो गई। अगर उसके ऊपर एक क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, असॉल्ट का केसेस किया जा सकता है। देन अगर जरूरत पड़े, जैसे प्रॉपर्टी का कोई इशू हो, आपके प्लॉट में आके उसने थोड़ी सी दीवार आपके प्लॉट पर भी बना ली हो, तो आप एक सिविल केस भी दायर कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। देयर इज वन वे टू डू दैट। कोर्ट में जाना एक बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर आपके और किसी के बीच में, चाहे वो एक सरकारी कंपनी हो या सरकारी गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट इटसेल्फ हो, अगर उनके साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए और वो डिस्प्यूट सॉल्व ना हो पाए, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। उसका सारा पर्पस ही एक दूसरे के बीच में, सोसाइटी के बीच में डिस्प्यूट हटाने के लिए है। स्टेट से स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो जुडिशरी, स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए जुडिशरी, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में और इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें जुडिशरी आ जाती है, लीगल सिस्टम काम करने लग जाता है। उसका उद्देश्य ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। हाउएवर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लीगल इशू नहीं है, जुडिशरी का इशू नहीं है, और भी कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। जैसे कि देखिए, अगर आपके आपके नेबर से लड़ाई हो गई है किसी बात पर, कोई बात बन नहीं पा रही है, पार्क में खेलने पर जमीन की कोई बात अड़ गई है, गाड़ी की पार्किंग का कोई इशू हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप, हो सकता है सोसाइटी में आप किसी आदमी की बात मानते हो, आपको लगता हो कि आदमी सही है, बड़ा है, न्यूट्रल आदमी है, सेम आपका नेबर जिससे आपकी लड़ाई है वो भी उसकी रिस्पेक्ट करता हो, तो आप कई बार ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि सर आप इसका मामले को समझौता करवा दीजिए या सुलटा दीजिए या फिर इसके अंदर कुछ क्या नाम है मध्यस्थता करके इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, राइट? ये भी तरीका होता है, जो कि बेसिकली अगेन दिस इज ऑल्सो ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अल्टरनेटिव लीगल सिस्टम के अगेंस्ट में। अल्टरनेटिवली कोई अगर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें, ये भी यूज किया जा सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो ए वेरी मच फीजिबल एंड लॉजिकल थिंग टू डू। मध्यस्थता, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे अगर हम टेक्निकली बातें करें, जार्गन वर्ड्स में बात करें, तो आप रिकंसाइलेशन कर सकते हैं। ये एक लीगल टर्म है जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है। दूसरा, आप मीडिएशन करवा सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, जुडिशियल सेटलमेंट, और एक होता है आर्बिट्रेशन, आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। रिकंसाइलेशन का मतलब है कि दो पार्टी जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ है एक दूसरे से मिलके बैठ के खुद ही बात कर ली, कॉम्प्रोमाइज टाइप का कर लिया कि हम देखो इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस कोर्ट में जाएंगे तो लंबे समय तक ये इशू घूमता रहेगा, दोनों का नुकसान है, लेट्स सॉल्व इट। मीडिएशन, मीडिएशन का वही इशू है जो कि बेसिकली हमने बात किया कि आप किसी और थर्ड पार्टी को बुला लीजिए सॉल्व करने के लिए, जिसकी दोनों की दोनों बातें मानते हो, राइट? लेकिन मीडिएशन में एक बात नोटिस कीजिएगा कि मीडिएशन में जब कोई थर्ड पार्टी जजमेंट देती है या सॉल्व कराने की कोशिश करती है तो वो बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है। आप दोनों, माना आप उसमें से, आप उस आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं या आप उस बात की बात मानते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो बोले वो सही हो, और उसकी बात मानना जरूरी नहीं है। तो सॉल्यूशन हो सकता है, पर इनकेस अगर जरूरत पड़े तो आप बेसिकली कुछ और तरीका अपना सकते हैं कि मीडिएशन के बावजूद भी आप जुडिशियल सिस्टम पर जा सकते हैं। उसी प्रकार से सेटलमेंट, अगेन ये भी थर्ड पार्टी इसमें आपकी मदद कर सकती है कि ठीक है कुछ कुछ इधर उधर आप थोड़ा पैसा दे दीजिए, किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज से सॉल्यूशन हो सकता है। एंड देन देयर कम्स आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, सिर्फ इसमें एक फर्क है। मीडिएशन में भी एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी से लाके समझौता कराया जाता है, और आर्बिट्रेशन में भी बेसिकली एक थर्ड पार्टी को लाया जाता है। बस फर्क ऐसा है कि मीडिएशन जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, आर्बिट्रेशन जो होती है वो उसका ज्यादा लीगल फोर्स होता है, वो एक्चुअली में बाइंडिंग होती है किसी के ऊपर। यानी कि आर्बिट्रेशन तभी की जा सकती है जब पहले से दो इंडिपेंडेंट पार्टी जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, पहले से डिस्प्यूट होने से पहले से उन्होंने इस बात की तैयारी कर रखी हो कि अगर डिस्प्यूट होगा तो हम इसको आर्बिट्रेट करवा लेंगे। दे आर ऑलरेडी लीगली प्रिपेयर्ड टू गो टू आर्बिट्रेशन। मीडिएशन में कभी कभी डिस्प्यूट होने के बाद मीडिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आर्बिट्रेशन के बारे में बात करें, अब मैं तो आपसे कुछ इंटरनेशनल दो तीन केसेस की बात करता हूं जिसमें आप मुझे सॉल्यूशन बता के देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया। अब एनरिका लेक्सी, एक केस हुआ था 2012 में भारत में। एनरिका लेक्सी एक इटालियन शिप का नाम है, ठीक है? ये हमारे सिंगापुर से इजिप्ट की तरफ जा रही थी, तो इंडियन ओशियन में से जब गुजर रही थी अरेबियन सी में, इसमें से दो इटालियन मरीन्स ने बेसिकली दो इंडियन फिशर्स को गोली मार दी, मर्डर हो गया। जो फिशरमैन थे उनकी शिप का नाम था सेंट एंटनी, ठीक है? सब्सिक्वेंटली भारतीय नेवी ने जाके इस शिप को डिटेन किया और इन दोनों मरीन्स को, जो कि इटालियन के, इटालियन आर्मी में से थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इट इज अलेज्ड दैट द टू इटालियन मरीन्स अबोर्ड द एनरिका लेक्सी किल्ड द फिशरमैन।
अब क्या होता है, देखिए ये जो एरिया है ना अरेबियन सी का पूरा इसको हाई रिस्क एरिया माना जाता है। यहां पर कई बार जो ट्रेड शिप है वो पायरेट उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यूजुअली यहां पर जब प्राइवेट ट्रेड की शिप जारी होती है तो वो पर्सनल सिक्योरिटी, कई बार कंट्री की आर्मी सिक्योरिटी विक्योरिटी इसके ऊपर होती है। ऐसा ही केस एनरिक अलेक्सी का था, और उन्होंने किस वजह से किसी जो इंडियन फिशरमैन थे उनको पायरेट समझकर उनके ऊपर गोली चला दी। अब इटालियन अथॉरिटीज ये कहती कि सबसे पहले जो ये इवेंट हुआ था, ये जो इवेंट हुआ है ये इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं हुआ, तो इस पे इंडिया का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हुआ इंटरनेशनल वाटर्स में था, आउटसाइड द इंडियन टेरिटोरियल वाटर इन द इंटरनेशनल नेविगेशन एरिया। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जो अरेस्ट किया गया था मरीन्स को वो इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता था। देखिए इंडिया का जो लॉ है वो इंडिया की टेरिटरी के ऊपर लगता है, राइट। इंडिया की टेरिटरी पर कुछ भी हो उस पर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और हमारा लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की टेरिटरी के बाहर की बात हो रही है, एटलीस्ट जो क्लेम था इटालियंस का। उन्होंने यह भी कहा कि एज देवर मिलिट्री पर्सनल और ड्यूटी इन डिफेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ ए नेशनल टेरिटरी कुड नॉट बी कंसिडर्ड टेररिस्ट और बींग अक्यूज ऑफ द मर्डर। जो इटालियन मरीन्स थे वो इटालियन सिक्योरिटी के लिए लगे हुए थे, इसका मतलब वो ड्यूटी पे थे तो उनको मर्डर का चार्ज उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। इंडियन ने बोला मरीन्स वर ऑन मिलिट्री ड्यूटी और अगर उन्होंने अनआर्म्ड सिविलियंस को मार दिया था तो ये तो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर वॉर क्राइम आ जाएगा, हमने तो उनके ऊपर सिर्फ मर्डर का चार्ज लगाया है। अब सवाल हो गया, ये मुद्दा हो गया, वो कंट्री बोल रहा है कि आपकी है ही नहीं तो आप कैसे कर रहे हो। अब आप बताइए इसके लिए सॉल्यूशन के लिए कहां जाएंगे। एक और केस दिखाते हैं इसमें, ये तो क्रिमिनल केस हो गया, मर्डर का केस है। सिविल केस के बारे में बात करते हैं। आपने कंपनी का नाम सुना होगा हच, राइट। पहले एक मोबाइल कंपनी हुआ करती थी हच। हच जो कंपनी थी उसको यूनाइटेड किंगडम की जो मोबाइल फोन की कंपनी है वोडाफोन, वर्ल्ड बिगेस्ट मोबाइल फोन कंपनी है वोडाफोन, उन्होंने बेसिकली हच को एक बार खरीद लिया, ठीक है। हच को जब खरीद लिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन को कहा कि आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, कैपिटल गेन्स के टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। याद रखिए वोडाफोन यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है और जो हच थी उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिंगापुर की रजिस्ट्रेशन थी। तो एक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी ने सिंगापुर की कंपनी को खरीदा, बात ध्यान रखिए बाहर है, भारत के बाहर ही हुई है दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन। परंतु जो हच के जो एसेट थे, जो कैपिटल एसेट, यू नो ऑफिसेज हो गए, जो भी मतलब जहां से कैपिटल बनती है, जिसका जिसकी वैल्यू होती है, एसेट जो थे उनके, वो इंडिया के अंदर थे, राइट। तो सेल बाहर हुई है, ट्रांजैक्शन बाहर हुई है, लेकिन एसेट इंडिया के जो थे उन्होंने हाथ पे बदला। अब एक कैपिटल गेन्स नाम टैक्स की एक चीज होती है, यानी कि जब कैपिटल गेन्स, कैपिटल को बेचा जाता है, कैपिटल जैसे कि आपका घर हो गया, आपके शेयर्स हो गए, जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको बेचा जाता है तो उस पर जो प्रॉफिट होता है ना उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आपने कोई कंपनी है, कंपनी की बेसिकली एक पूरा का पूरा मशीनरी का प्लांट है, सपोज कीजिए 10 साल से वो मशीनरी का प्लांट यूज कर रही थी, गाड़ियां बना रही थी उसमें, फिर उसने उस मशीनरी को, उस प्लांट को, पूरे के पूरे प्लांट को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया। हाइपोथेटिकली समझते हैं कि 100 करोड़ का बनाया था, 200 करोड़ का बेच दिया, तो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ना। इस 100 करोड़ के प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा कि ये कैपिटल ने, आपकी कैपिटल ने आपको फायदा दिया है तो इसके ऊपर टैक्स होता है। तो हच ने, जो वोडाफोन ने जब हच को खरीदा तो इंडिया में जो कैपिटल थी उसकी, उसके जो कैपिटल एसेट थे उनकी सेल हुई थी। गवर्नमेंट का मानना था कि इसके लिए वोडाफोन को टैक्स देना पड़ेगा, वोडाफोन को टैक्स देना पड़ा। वोडाफोन बोलते कि हम इसका टैक्स नहीं देंगे, भाई आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो किस बात का टैक्स हुआ, ये वाली बात होगी। अब डिबेट हो गया दोनों के बीच में इस बात का, तो वोडाफोन ने टैक्स देने से मना कर दिया। अब यूजुअली ऐसे जब टैक्स देने से मना करा जाता है तो कोर्ट में जाया जाता है, परंतु वोडाफोन तो यूके की कंपनी है, हच सिंगापुर की कंपनी है, तो भारतीय जो कोर्ट्स हैं उनकी तो वो कोई भी जजमेंट दे दे वो यूके में नहीं मानी जाएगी। ऐसे में क्या किया जाए। एक और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ केस, ठीक है, ये भी यूनाइटेड किंगडम से एसोसिएटेड है। यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है एनर्जी की, केन एनर्जी, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। अब ये भी भारत में काम किया करती थी, केन इंडिया, गुड़गांव में इसके जो हेडक्वार्टर्स थे और राजस्थान में इन्होंने कुछ ऑयल फील्ड्स लिए हुए थे। केन यूके हैड पार्ट ऑफ एन इंटरनल रीअरेंजमेंट प्रोसेस ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑफ केन इंडिया होल्डिंग्स टू केन इंडिया। तो यूके की कंपनी है, इनकी एक कंपनी है केन इंडिया होल्डिंग्स और एक इनकी कंप्लीटली ब्रांच है केन इंडिया जो कि इंडिया में ही ऑपरेट करती है। तो इन्होंने जो केन इंडिया होल्डिंग्स जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी हुई एक्चुअली में, उसके सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए केन इंडिया में। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि केन यूके हैड मेड कैपिटल गेन्स और उनको 24,500 करोड़ रुपए टैक्स में देने पड़ेंगे, ये वाली बात हो गई। अच्छा, अभी इसी के बीच में ये केन ने मना कर दिया, बोले कि हम इसके टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तब क्या हुआ कि जो ये केन इंडिया थी, चार साल के बाद, ये 2007 में हुआ, चार साल के बाद इसको वेदांता ग्रुप को बेच दिया गया। तो जितने भी इनके राजस्थान में जो ऑयल के कुएं थे वो बेसिकली वेदांता ग्रुप को बेच दिए गए। तो जब वो बेचा गया
तब सरकार ने केन इंडिया के 10% शेयर अपने पास ले लिए, बोले कि ये नहीं बेचे जाएंगे जब तक आपका ये टैक्स का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाए। ठीक है, उन्होंने केन एनर्जी सोल्ड दी मेजॉरिटी ऑफ इट्स इंडिया बिजनेस केन इंडिया टू माइनिंग जायंट वेदांत इन 2011। इनकम टैक्स अथॉरिटीज बार्ड इट फ्रॉम सेलिंग अबाउट 10% साइटिंग पेंडिंग टैक्सेशन इश्यूज, और जो डिविडेंड देना था उसको भी रोक दिया गया। अब ये भी डिबेट हो गया, केएन वाले बोले कि भाई अब हमें तो कुछ चाहिए, करिए अब कैसे करेंगे, तो ऐसे हम तो टैक्स देने वाले हैं नहीं। अब आप इस इशू को समझने की कोशिश कीजिए, जो भी तीनों के तीनों केसेस थे इसमें जो इशू है वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर है। इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और कोई भी इशू हो वो उसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकती है, पर जब टेरिटरी से बाहर हो जाए, जब दो देश इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम पर या फ्रांस पर या यूएसए पर तो भारत की जो कोर्ट्स हैं उनकी कोई भी शक्ति नहीं है, वो सॉवरेनिटी सिर्फ और इंडिया की टेरिटरी के ऊपर ही होती है, तब क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशंस में व्हाट डू यू थिंक ऑल ऑफ देम वेंट, वो सब जाते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, कोर परमानेंटे डी आर्बिट्रेज, अर्थात की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि इस जगह पर लोकेटेड है, ये एक हेग नीदरलैंड्स के अंदर लोकेटेड है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि जब दो ऐसे मुद्दे जिनको कंट्री की कोर्ट्स नहीं सॉल्व कर सके, इंटरनेशनल इश्यूज जब हो जाए, इंटरनेशनल ट्रीटी के जब इश्यू हो जाए, अब सोचिए यूके और इंडिया अगर दो ट्रीटी करते हैं, यूनाइटेड किंगडम इंडिया बायलेटरल ट्रीटी, लेट्स से कि उस पर कोई लीगल इश्यू बन जाता है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि वो तो भारत की है तो भारत के ही फेवर में देने की कोशिश करेगी, यूनाइटेड किंगडम की भी जजमेंट नहीं मानी जा सकती क्योंकि उनकी कोर्ट के रूल्स हमारे भारत में तो चलेंगे नहीं। ऐसे में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाने के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्जिस्ट करती है, जो इस प्रकार से केन एनर्जी और इंडिया के साथ, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज गवर्नमेंट के साथ कोई इशू हो गया, लीगल इशू, इसको सॉल्व कौन करेगा? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। दो इंडिविजुअल कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी होती और भारत और दूसरे देश की कोई कंपनी होती, उनके बीच में कोई इशू हो गया, तब इनको कौन सॉल्व करेगा? समटाइम्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता क्या है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो कोर्ट वर्ड है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ वर्ड कोर्ट, इसके अंदर वर्ड गलत यूज किया गया है, ये कोर्ट नहीं है टेक्निकल सेंस में, इट इज नॉट ए जुडिशियल बॉडी, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लेकिन चलिए इसको कवर कर देते हैं। अब जो ये केस था इटली का, एनरिका रेक्सी वाला, ये बेसिकली सबके सब जो दोनों के दोनों थे, भारत और इटली, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए और मोर और लेस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि जो इटालियन मरीन्स हैं उनके पास फंक्शनल इम्यूनिटी थी क्योंकि वो इटालियन आर्मी के से बिलोंग करते हैं, सो दे कैन नॉट बी चार्ज विद द मर्डर, उनके लिए जो भी प्रोसेस होगा वो बेसिकली इटली में प्रोसेस होगा। पर उन्होंने कहा कि इटली और भारत को इस प्रकार का कोई सिस्टम एग्जिस्ट करवाना चाहिए कि जो दो फिशरमैन मरे हैं उनकी फैमिली को बेसिकली एक अच्छा तरीके से मुआवजा दिया जा सके, कॉम्पनसेट किया जा सके। केन एनर्जी का जो केस था ये भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया और ये भी हम हार गए, भारत हार गया बेसिकली और केन जीत गया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ब्रीच्ड इट्स ऑब्लिगेशन टू केन एनर्जी अंडर यूके इंडिया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एंड उसके बाद $1.2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ का फाइन भरने को बोला है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को। अब भारत को फाइन देना पड़ेगा $1.2 बिलियन का केन एनर्जी को, जबकि हम उनसे टैक्स मांग रहे थे 22,000 करोड़ का। इसके ऊपर अपील हो गई है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, परंतु वेदांत जो वोडाफोन का केस था उसमें भी ऐसा हुआ। वोडाफोन के केस में भी 2,000 करोड़ के टैक्स की मांग की गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के सपोर्ट में जब जजमेंट दी तो भारत ने अपने टैक्स के जो कानून थे उनको ही रेट्रोस्पेक्टिवली बदल दिया, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली बदल दिया कि भारत में जब भी अगर इस प्रकार से कोई यूके की कंपनी, सिंगापुर की कंपनीज हो, लेकिन भारत के कैपिटल एसेट चेंज हो तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तब जब ऐसा हो गया तब उनको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा, एंड देयर ऑल्सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फेवर्ड दी वोडाफोन, वो केस भी वोडाफोन ही जीत गए थे। इन सारे जो केसेस में जब इंटरनेशनल कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं ना, तो देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व आती है। सबसे पहले है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों के नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हम इन तीनों को साथ साथ पढ़ते हैं। हमारा फोकस रहेगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जानते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, 1899 में बन गया था। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये सब उसके बाद ही बनी है। इंडीड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 70-75 साल पुरानी है, और अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल पुरानी है। चलिए बात करते हैं।
इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सर्व द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में. क्या हुआ, हेग नीदरलैंड्स में जो ये बिल्डिंग है इसके अंदर स्थापित की गई हुई है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ये कोर्ट नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, इट प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट जिस जो आउट ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन मेंबर स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पार्टीज. तो दो इंटरनेशनल मेंबर स्टेट्स जो कि इसके मेंबर हो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, सब नहीं है, जरूरी नहीं है ज्वाइन करना, तो दो जो इसके मेंबर उनके बीच में या किसी स्टेट और किसी प्राइवेट एंटिटी के बीच में या दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बेसिकली दोनों स्टेट्स की इसको कर सकती है. अलग अलग टाइप के केस हैं, टेरिटोरियल और मैरीटाइम बाउंड्रीज का कोई डिबेट हो पीसीए में जाके सॉल्व करवा सकते हो, सॉवरेनिटी का कोई इशू हो, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हो, जैसे जो केन एनर्जी का जो इशू था वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का इशू बन गया, राइट, तो इसीलिए वो पीसीए के पास जा सकते थे. इंटरनेशनल और रीजनल ट्रेड का कोई इशू हो तो वो सब के सब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं. अब जैसे मैरीटाइम टेरिटोरियल और मैरीटाइम बाउंड्री, तो जो हमारा इटली का जो एनरिका रेक्सी वाला केस हुआ वो टेरिटोरियल बाउंड्री के ऊपर हो गया था कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, हेंस वी वेंट टू दी पीसीए फॉर दैट. टोटल 122 स्टेट इसके मेंबर है. ये बात याद करना इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट अ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी बट पीसीए इज एन ऑफिशियल नेशन ऑब्जर्वर. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर स्टेटस है परंतु यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है. देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, उन्होंने ही बनाया है, वो यूनाइटेड नेशन ने ही बनाया है. ठीक है, लेकिन जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन परंतु ऑब्जर्वर स्टेटस है. जानते हैं आप हमारे यूनाइटेड नेशंस में 103 कंट्री मेंबर है. ठीक है, लेकिन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और होली सी यानी कि जो पोप जहां पर रहते हैं रोम में जहां पे वो रहते हैं इनको ऑब्जर्वर स्टेटस है. इस प्रकार से कई इंटरनेशनल बॉडीज को ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है जिनके पास फुल राइट्स नहीं होते हैं लेकिन वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ बोलना हो तो बता भी सकते हैं. तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज एन ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इसको साथ में हम एक और पढ़ेंगे जब अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो प्रिंसिपल ऑर्गन है और फिर इसमें आईसीसी का क्या काम है उसके ऊपर भी आते हैं. चलिए, PCA is not court, it is an administrative organization having permanent and readily be available to register. मतलब ठीक है, debate करने के लिए. इसमें जो judges होते हैं या arbitrators होते हैं they are known as the member of the court. इसमें 122 member है तो हर एक member चार लोगों को, each member state can appoint four जिनके पास international law की बहुत सारी knowledge हो, impeccable integrity हो, moral competence हो, highest moral reputation, उनको basically आर्बिट्रेटर के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है. तो भारत बेसिकली इसमें चार अपनी तरफ से इंटरनेशनल जो लॉ की जो जानकारी रखते हैं, मॉरल रेपुटेशन है, उनको आर्बिट्रेटर के लिए नॉमिनेट कर सकता है. 6 साल का एक वो टर्म होता है, इट कैन बी रिन्यूड ऑल्सो. पीसीए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ बहुत कंफ्यूज होता है. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम बिल्डिंग में है. जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वहीं पर ही स्थापित की गई है. आते हैं उसके ऊपर. पीसीए इज हाउएवर नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम ऑल्दो इट हैज ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली. अब देखिए, एक और प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन होता कैसे है. ठीक है, अगर अब जैसे हम केस समझते हैं वोडाफोन का या इंडिया का, वोडाफोन और इंडिया के बीच में जब दोनों के बीच में केस नहीं हुआ, उन्होंने इनकम टैक्स वाले बोले कि 2,000 करोड़ दीजिए, वोडाफोन बोला कि हम नहीं देंगे, तो ये डिबेट बन गया, पीसीए में चले गए. इसमें आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा एक. ठीक है, एक दोनों की दोनों पार्टी अपने खुद के नेशन के जो जजेस आर्बिट्रेटर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर देंगे. तो एक तो यूके का हो गया और एक इंडिया का हो गया. ठीक है, आर्बिट्रेटर. ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी से कोई दूसरा और कर सकते हैं. ये सेकंड वाला भी हो गया, वो कोई बट वो नेशनैलिटी उसकी इंडिया यूके की नहीं होगी, बट परंतु अपनी पसंद से कर सकते हैं. फिर ये चार मिलकर एक पांचवा आर्बिट्रेटर क्या नाम है चुनते हैं कि ये बेसिकली अब लीड करेगा इस आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल को, एंड दीज फाइव बिकम्स द आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल. इस प्रकार से जो बेसिकली जजमेंट दी गई थी इंडिया की, इंडिया और वोडाफोन की, तो उसमें ऐसे इस प्रकार से ट्राइब्यूनल बनाया गया था. पांच आर्बिट्रेटर होते हैं, टू ऑफ विच आर सिलेक्टेड बाय ईच पार्टी, वन ऑफ हुम मे बी अ नेशनल ऑफ द पार्टी कंसर्न. ठीक है, दो चुनने हैं, उसमें से एक आपके नेशन का हो सकता है, दूसरा आप कोई दूसरा चुन सकते हैं, परंतु पसंद आपकी होगी. ये चार जब हो जाएंगे, चारों मिलकर एक पांचवा चुन लेंगे, एंड दीज फाइव विल मेक द आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल. ठीक है, अब जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो कंफ्यूजन है जो आपके बीच में हो सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फर्क क्या होता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी की सारी एक ही जगह पर, पीस पैलेस, ये हेग में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पीस पैलेस, ये तीनों की तीनों एक ही जगह पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आता है। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना पहले परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते थे, तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस अगेन बिकम द कॉन्फेस ऑफ कंफ्यूजन, लेकिन अब बाद में इसको नाम को आईसीजे कर दिया गया। अब इनके बारे में एक बार कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फर्क है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप ये समझ लीजिए वर्ल्ड कोर्ट, जैसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे क्लोजेस्ट आती है, उसी प्रकार से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना वो वर्ल्ड कोर्ट है, यानी एक प्रकार से वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट है, ये समझ के रखिए। दूसरा, ये यूएन चार्टर्स के साथ साथ बनी थी, इट वाज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, हेग नीदरलैंड में, सब सारी की सारी एक ही बिल्डिंग में लोकेटेड है तीनों के तीनों, इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है। ओनली प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन नॉट लोकेटेड ऑन न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के छह प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सारे के सारे न्यूयॉर्क में है, ये अकेला एक है जो कि हेग में है। अच्छा, इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये कन्वेंशन से बनाई गई थी, ये रोम स्टैट्यूट से और ये हेग कन्वेंशन से, ये सबसे पुरानी है, ये तो अभी 1998 में ही बनी है, कुछ नहीं हुए अभी इनको, 23 ही साल हुए हैं, और ये बेसिकली 1899 में बन गई थी, ये सबसे ज्यादा पुरानी है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये दोनों कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक्चुअल कोर्ट्स जो होती है। आर्बिट्रेशन इज मच मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो ऑटोमेटिकली आईसीजे का मेंबर, यहां पर जो रोम स्टेटस रेटिफाई करेगा वही बनेगा, द सेम टू सेम, ये दोनों साइन करनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 193 मेंबर होंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 193 है, परंतु परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 122 मेंबर है, जो पसंद करता है, जो चाहता है वही ज्वाइन करता है। ये सिविल कोर्ट है। अब फर्क देखिए इसमें, इंटरेस्टिंग वाला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि वर्ल्ड कोर्ट मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें क्रिमिनल केसेस डिस्कस नहीं होते, इट ओनली डिस्कसेस सिविल कोर्ट्स। आपके नेबर के साथ आपके दो प्रकार के इशू हो सकते हैं, एक तो सबसे पहले इशू हो सकता है कि आपके घर पर आकर दीवार बना ली, सिविल कोर्ट, सिविल इशू हो जाएगा, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्कस करेगी। एक क्रिमिनल हो सकता है, मारपीट हो गई, असॉल्ट कर दिया गया, ऐसे वाले केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैंडल करेगी, वो सिर्फ क्रिमिनल इशूज देखती है, ये सिर्फ सिविल इशूज देखती है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि ओरिजिनल यूनाइटेड नेशंस की जो डीपली सबसे इंटीग्रेटेड है वो सिर्फ ये है, ठीक है, ये दोनों यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर स्टेटस पर है, इनके साथ डील करते हैं, इनके साथ एक साथ बातचीत होती है, परंतु दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन देम व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन। लीगल डिस्प्यूट, सॉवरेनिटी के, ट्रेड, ट्रीटी वायोलेशन, इंटरप्रिटेशन, जो कि आईसीजे, सिविल वाला इशू, ये जीनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसको करती है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जैसे पाकिस्तान के कोई, हम मान लेते हैं कि कोई मिलिट्री जनरल, ठीक है, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल ने पाकिस्तान के किसी एरिया में वॉर क्राइम्स कर दिए, कुछ सिविलियंस का मर्डर कर दिया या फिर कुछ और ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर दी, ऐसे जो केसेस हैं जिनको बेसिकली पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम नहीं हैंडल कर सकता, तब यूनाइटेड नेशंस रेफर कर सकती है उस केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। और एक और मजेदार बात यह है कि दिस ओनली डील्स विद इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल से डील करती है और किसी से नहीं, ये चाइना के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ पर्टिकुलर आदमी अगर इंडियन एक इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केस कर सकती है। अगर यूएन इंटरवेंशन, अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी आती है बीच में जब दोनों देश मान जाते हैं कि चलिए हम दोनों मान लेते हैं, सॉल्व करा लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कोई सिविल इशू हो गया हमारा, मैरीटाइम बाउंड्री का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, चलिए यूएन चलते हैं, मान लिया, अब मान लिया है दोनों ने, तो अगर जजमेंट किसी के अगेंस्ट आई तब भी बाइंडिंग होगी, ठीक है। कोऑपरेशन इज वॉलंटरली, अगर वॉलंटरी है तब तो कोई भी बात है भाई, अब दोनों ने माना ही नहीं, पाकिस्तान मानने को ही तैयार नहीं है कि इसको हम ये इन्वेस्टिगेशन करानी है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। परंतु अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस केस को रेफर कर दे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, तब बाइंडिंग हो जाएगा। परमानेंट, अब यहां पे पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मैंने बताया था आर्बिट्रेशन जो लीगल सिस्टम है उसमें जो जजमेंट आएगी वो बाइंडिंग होगी दोनों के ऊपर, मीडिएशन की तरह नहीं है कि चॉइस है कि नहीं माननी तो नहीं मानो, ये बाइंडिंग है। बस ये है कि पीसीए के पास खुद की कोई पावर नहीं है कि उसको एनफोर्स कैसे कराएं। तो केन एनर्जी को पीसीए ने बोला कि अब इंडियन गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन देने पड़ेंगे, ठीक है, जजमेंट में ये है, अगर इंडिया ना माने तो कोई अप्लाई नहीं करवा सकता, उसको जबरदस्ती अप्लाई नहीं करवा सकता, कोई रूलिंग पावर ही नहीं एग्जिस्ट करती है।
ये तो है, ये तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, इन दोनों को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। मेंबर्स के बारे में हमें ज्यादा कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मेंबर्स है, इसमें 15 हैं, इसमें 18 जज हैं, इसमें सिटिंग जज कोई भी नहीं है, पार्टीज अपनी अपनी सेलेक्ट करती है। अभी हमने आर्बिट्रेशन का प्रोसेस बताया, इट इज नोन एज वर्ल्ड कोर्ट। तो वर्ल्ड कोर्ट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट जो है फर्स्ट परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है। ये तभी दिया जाता है जब नेशनल कोर्ट ना प्रोसिक्यूट कर पाए क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है, या जो जैसे कुछ डिक्टेटर होते हैं वो वॉर क्राइम कर देते हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर देते हैं, अब कोर्ट उनको जज उनको कुछ सजा सुना नहीं सकती है क्योंकि वायलेंस हो जाएगी। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कभी कभी यूज की जा सकती है। ये प्रोवाइड आर्बिट्रेट करती है दो देशों के बीच में जब कोई मुद्दे हो जाए, क्रिमिनल पे नहीं डील करती है, मोर और लेस सिविल मुद्दों के ऊपर ही डील करती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यूजुअली डिस्कसेस द इश्यूज ऑफ सिविल। इंडिया मेंबर है यूएन का क्योंकि इंडिया ने साइन किया हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे इंडिया ने साइन नहीं किया है, वो उसके लिए रोम स्टैट्यूट को रेटिफाई करना पड़ेगा, हमने नहीं किया उसको। पीसीए के लिए हमने साइन किया क्योंकि हम तीन केस देख ही चुके हैं जो कि इंडिया के हैं और तीनों हार गया इंडिया वहां पे देखा जाए तो। कुलभूषण जाधव का केस आपने सुना होगा, पाकिस्तान ने एक इंडियन सिटीजन को पकड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि ये स्पाई है, भारत बोलता है कि ये स्पाई नहीं है और उसको वो छोड़ के नहीं मानते हैं। तो वो केस था बेसिकली, वो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि वो राइट ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस टू नहीं दे रहे थे कि इट इज अ वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन। आईसीजे रूल्ड पाकिस्तान टू प्रोवाइड एक्सेस एंड टू रिव्यू द सेंटेंस ऑफ द कुलभूषण जाधव। इसका जो जजमेंट था वो भारत के फेवर में आया था, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड ओनली टू इंडिविजुअल। और इसमें तो हमने एनरिका लेक्सी वाला केस सुना, और एक बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी मैरीटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट हो गया था, वो भी हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गए, वो भी बांग्लादेश जीत ही गया। आई नो आप बार बार अब ये कहेंगे कि सर चार केस बताए हैं आपने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, सारे के सारे भारत हार गया है। देखो ये बांग्लादेश वाला भी केस देख लेते हैं। बांग्लादेश इंडिया क्लेम करता था कि हमारी जो बाउंड्री है वो ये है, बांग्लादेश की ये वाली थी, और ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था इस पर डिस्प्यूट चल रहा था, मैरीटाइम डिस्प्यूट कई सालों से चलता रहा। तो फिर इसको 2009 में बांग्लादेश पीसीए में ले गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हमने भी कहा कि ठीक है वहां कर देते हैं, अपना केस प्रेजेंट कर देंगे जो बाइंडिंग होगा। दिस वाज गिवन इन द फेवर। अब जो बांग्लादेश का क्लेम है, जो बाउंड्री है वो बेसिकली ये है, हमारी बांग्लादेश और इंडिया की जो बाउंड्री मैरीटाइम बाउंड्री है जो मानी जाती है, आर्ग्यूमेंट फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ द लोकेशन ऑफ लैंड बाउंड्री टर्मिनस डिलिमिटेशन ये वो। डिलीवर्ड ऑन मंडे यूनाइटेड नेशन ट्राइब्यूनल ने कहा कि बांग्लादेश को इस 25,000 में से 19,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया था और ये बाइंडिंग था, इसके ऊपर अपील नहीं किया। केन एनर्जी का जो है वो अभी बाइंडिंग नहीं, उसके अगेंस्ट हम दोबारा से अपील कर रहे हैं, परंतु ये वाला बाइंडिंग था, ये उसी समय सॉल्व हो गया था। ऐसा नहीं है कि पीसी के अगेंस्ट हम सारे के सारे हार जाते हैं, एक दो जीतते भी हैं। इन ए वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया, सावरकर एग्जैक्टली जो सावरकर जी हैं उनके से रिलेटेड एक केस हो गया था जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था 1910-11 के समय, जब मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स हो रहे थे तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ एजिटेशन की थी, तो इसमें ब्रिटिशर्स उसको पकड़ना चाहते थे। अब उनको पकड़ा गया था फ्रांस से, मार्सेलेस एक कोस्ट है फ्रांस का, वहां से पकड़ा गया था। तो फ्रांस ने आर्बिट्रेशन कोर्ट केस कर दिया, तब तक बन चुकी थी आर्बिट्रेशन कोर्ट, 1899 में बन गई थी, तो वो केस कर दिया था उन्होंने कि ब्रिटेन के पास हक नहीं था उनको ले जाने का। हावेवर वो जो पीसीए की जो आर्बिट्रेशन थी वो उस समय ब्रिटेन के फेवर में गई थी कि उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, जो फ्रांस के जो कोस्टल ऑफिसर्स थे उन्होंने स्वयं ही सावरकर को सौंपा था ब्रिटिशर्स को, एंड फ्रॉम देयर ऑन ही वाज ब्रॉट बैक टू पुणे यरवाड़ा जेल में फिर उनको रखा गया था। तो ये केस पहले से चल रहे हैं, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के 1910 में ही पीसीए के केस हुए थे जिसमें सावरकर भी इन्वॉल्व थे। Nevertheless, I hope the permanent code of arbitration is absolutely clear और किस प्रकार से international, इसको follow up करते रहा कीजिए क्योंकि जो international disputes हैं वो हमेशा इन्हीं तीनों से कहीं ना कहीं solve होते हैं। इसमें सबसे important organization जो है वो international court of justice है, ठीक है। international criminal court के पास कुछ बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है और उसका use भी कम होता है क्योंकि वो सिर्फ individual पे होता है and a very specific criminal cases पर, war crime, genocide, crime against humanity के लिए। and permanent court of arbitration regularly news में रहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के इशू हो गए, टैक्सेशन के इशूज हो गए, सॉवरेनिटी के इशूज हो गए, मैरीटाइम बाउंड्री के इशू हो गए। सो सबसे ज्यादा न्यूज आती है पीसीए की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिया साइन ही नहीं किया हुआ है तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। आपको इस क्लास का पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, ये इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, दिस टेलीग्राम चैनल, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो हिट मी अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहेगा तो किसी भी सोशल मीडिया पर। हाउएवर इफ यू डू लाइक दिस क्लास देन प्लीज मेंशन इट बिलो दिस यूट्यूब वीडियो कमेंट्स। हैव अ नाइस day.